तो आज की टॉपिक है हमारे दोस्तों फेसबुक स्टार अर्निंग रेस्टिकेट को लेके, स्टार्ट अर्निंग रेस्टिकेटेड एड्स ऑन रील्स अर्निंग रेस्टिकेटेड। बहुत से भाइयों को ये प्रॉब्लम आती है, किसी को स्टार पे आती है, किसी को, ज्यादातर लोगों को तो एड्स ऑन रील्स पे आती है। तो आज आपके सामने देख सकते हैं स्टार अर्निंग रेस्टिकेटेड आ रहा है एक, और दूसरा है एड्स ऑन रील्स अर्निंग रेस्टिकेटेड। आखिर ये आता क्यों है? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आता क्यों है। आता इसलिए है क्योंकि हम लोग रील्स अपलोड करते हैं, उसके बाद कोई भी रील उठा के हम लोग डाल देते हैं, किसी का भी कहीं से कॉपी करके ला के डाल देते हैं। और जो हम लोग रील डालते हैं, जिन रील्स पे हम लोग गाने वगैरह यूज़ करते हैं, जिस पे कहता है कॉपीराइट, तो कोई भी चीज़ हो कॉपीराइट दे, चलो एक बार दे दिया आपको कुछ नहीं बोला, दो बार दे दिया आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन जब बार बार हम लोग गलती दोहराएंगे और किसी की भी वीडियो अपलोड करेंगे तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे भाई फिर भी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या होती है, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जमाल और स्वागत है आपका जमाल टेक सपोर्ट पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे और सबसे पहले जाएंगे फेसबुक में। सीधा मैंने फेसबुक ओपन कर दिया और डायरेक्ट मोनेटाइज में पहले से था, ठीक है। तो इन भाई साहब का ये पेज है, जुनैद खान के नाम से इनका पेज है, और यहाँ से हम लोग जाते हैं व्यू टूल्स में जाने के बाद सीधा मोनेटाइजेशन में जाते हैं। मोनेटाइजेशन में जाने के बाद फिर ये ऊपर स्टार है, थोड़ा सा नेट चलो इसलिए वो जल्दी जल्दी खुल नहीं रहा है। ये देखें, ये स्टार है इनका, अर्निंग रेस्टिकेटेड लिख के दे रहा है। गो पॉलिसी इशू पे जाएंगे, उसके बाद देख सकते हैं अनओरिजिनल कंटेंट, स्टार इनका इनेबल है मगर रील्स ओवरले एड्स इनका बंद हो चुका है, मतलब एड्स ऑन रील्स से ये अर्निंग नहीं कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू कंप्लीटेड, इनको एक बटन मिला था मतलब रिव्यू में भेजने के लिए, इन्होंने वो भी यूज कर लिया लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्यों नहीं सॉल्व हुई, वही कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग भी ऐसी गलती मत किया करो, पहले जो है आप अपना पेज सही से चेक कर लिया करें, चाहे पेज हो चाहे प्रोफाइल हो, पहले आप अपनी प्रोफाइल को चेक कर लें कि उसमें गलती क्या है मेरी, वो गलती पहले आप सुधारो। सारी गलती जब आप सुधार लोगे उसके बाद आप फेसबुक के पास रिव्यू में डाल सकते हो। आपने कुछ चेक नहीं किया, कुछ नहीं, बस आपने डायरेक्ट रिव्यू पे क्लिक कर दिया, फेसबुक के पास वो चला गया रिव्यू में, फेसबुक दोबारा रिव्यू करता है आपके पेज को या प्रोफाइल को, तो वो देखता है सेम ही, इसने कुछ चेंज ही नहीं किया है, तो कहां से प्रॉब्लम सही होगी। तो इन बातों का ध्यान रखा करें, ठीक है। तो हम लोग देखें अब ये प्रॉब्लम आ रही है स्टार पे, और दिखाता हूं मैं एड्स ऑन रील्स पे, आप देख सकते हैं इस पर भी हम लोग जाएंगे तो सेम वही प्रॉब्लम है, बटन गायब है, क्योंकि यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा मतलब बटन गायब है। रिव्यू कंप्लीटेड, रिव्यू कंप्लीट हो चुका है लेकिन इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा, देखें आपको मैं दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम है इनकी, और इसके बाद जो है हम जाएंगे सीधा जो है क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है। फेसबुक को हमने बंद कर दिया, पहले हम क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे। क्रोम मैंने ओपन कर दिया और क्रोम में देख ले मैंने लॉगिन कर रखा है पहले से इनका फेसबुक। अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो आप यहाँ पे भी पहले लॉगिन कर लेंगे अपना फेसबुक, ठीक है। और यहाँ से जो है सबसे पहले आपको डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेना है। इसे डेस्कटॉप साइट ऑन होने के बाद फिर हमने ये चेक करना है कि इनमें जो इन्होंने पोस्ट किए हैं उन पोस्ट पे मतलब क्या क्या गलती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पोस्ट चेक करेंगे, तो इनका प्रोफाइल खोल लेते हैं सबसे पहले यहां से। अब डायरेक्ट हम लोग नीचे आएंगे पोस्ट में, देख लें, चले ठीक है, सीधा हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे से चेक करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अब देख सकते हैं मैं नीचे आ चुका हूं, एक रील है और ऊपर लिखा हुआ यू आर वीडियो इज इनेबल टू बी मोनेटाइज बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट मैच, मतलब कॉपीराइट है, म्यूजिक का कॉपीराइट है इनको, लेकिन एक वीडियो पे नहीं है। देख ले, एक वीडियो ये हो गई, उसके बाद ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये देखें इस पे भी है, ठीक है, इस पे भी है, और इस पे भी है, मतलब ऐसे बहुत सारी वीडियो पे इनके ये प्रॉब्लम है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे ये तो म्यूजिक कॉपीराइट का ये प्रॉब्लम है लेकिन मेरे उस पे तो अनओरिजिनल कंटेंट है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है अगर आपने अनओरिजिनल कंटेंट डाला था उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई है। अगर आप फेसबुक को रिव्यू में अपना पेज या प्रोफाइल भेज रहे हो तो ये भी एक प्रॉब्लम ही मानी जाएगी, क्योंकि एक बार हो गया, दो बार हो गया, ठीक है, कम से कम 10-10 वीडियो पे आपकी ये प्रॉब्लम है तो ये भी वायलेशन ही हुआ एक तरीके का। तो अगर आप रिव्यू में भेज रहे हो तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखें, आप चेक कर लें कि आपकी वीडियो पे किसी वीडियो पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सारी वीडियो आपको पहले डिलीट कर लेनी है।
जिन पे भी ये प्रॉब्लम आई हुई है ये वीडियो सारी के सारी आप डिलीट कर लेंगे, उसके बाद रिव्यू में अगर भेजेंगे, और कैसे भेजना ये भी बताऊंगा, सही तरीका क्या होता है रिव्यू में भेजने का। ये सारा कुछ करने के बाद आप रिव्यू बटन पे क्लिक करें। अगर आपने भी ऐसी कर दिया तो कोई बात नहीं, रिव्यू बटन आपका भी खत्म हो चुका, मतलब दोबारा इनेबल नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे सपोर्ट टीम को एक रिपोर्ट भेजनी है, फेसबुक को एक रिपोर्ट भेजनी है बाकायदा बना के, तो आपका फिर से दोबारा वो पेज रिव्यू होगा या प्रोफाइल होगा तो रिव्यू होगा, उसके बाद वो सही कर देंगे। उसका सही तरीका क्या है मैं इस वीडियो में सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये चीजें आपको दिखाना जरूरी था। देख लें ऐसे ही वीडियो पे, सारी वीडियो पे इनके प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं एक एक वीडियो चेक करके इनकी वीडियो को डिलीट करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों मैंने जितनी भी वीडियो पे प्रॉब्लम थी सारी की सारी वीडियो ढूंढ के मैंने वीडियो डिलीट कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है कि जब आप भी ऐसे वीडियो डिलीट कर लेंगे तो दोबारा से हम जाएंगे अपने फेसबुक एप्लीकेशन पे, इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा, और दोबारा से हम लोग जाएंगे फेसबुक एप्लीकेशन पे, और सबसे पहले जो आपको काम करना है, काम ये करना है आपको, यहाँ पे जाएंगे प्रोफाइल पे और फिर व्यू टूल्स पे जाएंगे। व्यू टूल्स पे जाने के बाद फिर मोनेटाइजेशन में जाएंगे, उसके बाद आपके स्टार पे प्रॉब्लम है तो इस पे क्लिक करेंगे और ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऐसे, ठीक है। आपके रील्स पे भी है तो रील्स पे भी जाके ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद देख लें यहाँ पे होम पेज पे रहेंगे, यहाँ पे थ्री डॉट आपको नजर आ रहा होगा, थ्री डॉट पे जाएंगे। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं लिंक है, प्रोफाइल की लिंक है, यहां से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने फेसबुक को एक अच्छी खासी रिपोर्ट बना के भेजनी है ताकि फेसबुक हमारा पेज या प्रोफाइल फिर से रिव्यू करके और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि बटन तो हमारे पास है नहीं, ऑलरेडी बटन खत्म हो चुका है, रिव्यू का ऑप्शन नहीं बचा है, तो हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है। लिंक कॉपी की है, मैं आऊंगा नोट पैड में अपने, और यहां मैंने कुछ लिख रखा है, देख सकते हैं, डियर फेसबुक टीम, माई फेसबुक प्रोफाइल शोइंग अर्निंग रेस्ट्रिक्टेड ऑन स्टार एंड एड्स ऑन रील्स, प्लीज रिव्यू माई अकाउंट एंड सॉल्व दिस एरर सून एज पॉसिबल। नीचे लिख दिया थैंक यू, और नीचे लिखा हुआ है फिर माई प्रोफाइल लिंक। तो यहां हमने क्या करना है, माई प्रोफाइल लिंक पे जो है, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं ऐसे। अब यहां आपने क्या करना है, यहां पे आपने लाके प्रोफाइल के लिंक को ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देनी, यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसकी जरूरत अभी पड़ेगी आपको बता देता हूं, तो यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पहले इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा फेसबुक में। बारीकी से देखना दोस्तों, ये आपके काम की चीज होने वाली है। अब बहुत से लोग कहते हैं अरे भैया नहीं हो रहा, नहीं होता सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पसंद नहीं है, बस आपने किया तुरंत कहते हैं प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो रही है। किसी भी हर काम में थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, इंतजार थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखें, ठीक है, सब्र करना सीखें। तो यहां से हम लोग बैक हो जाते हैं, बैक होने के बाद सीधा हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, इस पर क्लिक कर देता हूँ। बहुत से भाई पूछते हैं रिपोर्ट कैसे भेजूँ, तो ये भी समझ लो इस वीडियो में आप सीख रहे हो रिपोर्ट कैसे भेजते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ इंक्लूड इन रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सीधा यहाँ आ जाए कहाँ गया, हमारी प्रोफाइल है, ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया है वही चीज़ लिखनी है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, अगर कॉपी नहीं कर सकते तो आप देख देख के लिख भी सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ईजी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देखें जो भी मैंने लिखा था प्रोफाइल की लिंक सबको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ ऐड इमेज अटैचमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम लोग ऐड इमेज पे जाएंगे और जो हमने स्क्रीनशॉट ली थी वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे हमने लगा देनी है। एक ये हो गई एड्स ऑन रील्स की आ गई और एक आएगी स्टार की, ये हमने दो स्क्रीनशॉट जो है लगा दिया यहाँ पे। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ सेंड का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपको सेंड कर देना, ये देख लें मैंने सेंड कर दिया और ये जा चुका, थैंक यू फॉर फीडबैक हेल्पिंग इम्प्रूव फीडबैक, ऐसा कुछ तो भी लिख के आ गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंतजार करना है 24 घंटे 48 घंटे एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक महीना ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है कितने दिन लगेंगे। बहुत से भाई पूछते हैं भाई कब होगा, ये मुझे नहीं पता है,
ये फेसबुक के ऊपर डिपेंड करता है। फेसबुक आपका पेज, आपका प्रोफाइल कितनी जल्दी रिव्यू करता है, जितनी जल्दी रिव्यू करेगा उतनी ही जल्दी वो डिसीजन ले लेगा भाई आपके पेज पे क्या होना है, आपके प्रोफाइल पे क्या होना है। लेकिन ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी, बस आप वेट करें, फेसबुक रिव्यू करेगा उसके बाद ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज तो नहीं कहूंगा आपको लाइक करने के लिए, क्योंकि आप लोग को मैं रोज कहता हूं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो मैं कहूंगा भी नहीं आपको लाइक करने के लिए। बस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो जरूर कर लें चैनल को सब्सक्राइब। और मिलता हूं जल्दी आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।